भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने जहां राहुल और केंद्र की यूपीए सरकार पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के हारने का भी दावा किया। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को अपने तूफानी चुनावी दौरे के दौरान हरियाणा के गुड़गांव पहुँचे। यहाँ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी का भाषण सुनने के लिए तय समय से घंटों पहले से लोग वहां पहुंच गए थे। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, जनता शांति और खुशहाली चाहती है, युवा रोजगार चाहते हैं, जबकि किसान पानी और बिजली चाहता है। कांग्रेस के इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं, जनता इनसे निजात चाहती है। उन्होंने जहाँ राहुल गांधी की क्लास ली, वहीं पूरी यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 60 साल तक केंद्र में साहब बनकर बैठी रही, जिससे देश स्थिति में पहुंच गया है। ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वो देश के 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, ये आपके साथ धोखा किया है कि नहीं किया है? जो धोखा करे उसे माफ करते हैं क्या? उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने वादा तोड़ा उसका नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, एक तरफ तो 2009 में उन्होंने वादा किया था, फिर से अभी 2014 में वही कांग्रेस पार्टी, वही नेता, वही उनका घोषणा पत्र, और फिर एक बार उन्होंने धोखा पत्र पेश कर दिया। धोखा पत्र ये कांग्रेस का चुनाव का घोषणा पत्र नहीं है, देश की जनता की आंख में धूल झोंकने वाला धोखा पत्र। फिर बार उन्होंने कहा कि हम 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव आया तो फिर से नौजवानों की आंख में धूल झोंकने के लिए नया धोखा पत्र लेकर के आए। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताओ, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था, महंगाई गई, महंगाई कम हुई, महंगाई बढ़ी। भाइयों बहनों, कोई अगर गलती करे तो लोग माफ करते हैं, लेकिन अगर कोई बेईमानी करे, कोई जनता के साथ धोखा करे, तो जनता कभी भी उसको माफ नहीं करेगी। इससे पहले मोदी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पर जमकर बरसे। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां घोटाला नहीं हुआ हो। मोदी ने कहा कि कोयले के घोटाले से कांग्रेस का हाथ काला हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। मैं हरियाणा की समस्याओं को भली भांति जानता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार आने के बाद मुझे हरियाणा की समस्याएं समझने में पल भर की भी देर लगने वाली नहीं। आप मुझे बताइए, यहां का मेरा किसान सालों से कह रहा है सरस्वती नदी आज नाला बन गई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था नदियों को जोड़ने का। भाइयों बहनों, देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिस प्रदेश ने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज
आज यहां का किसान पानी के संकट को झेल रहा है। भाइयों बहनों, अगर यहां की सरकारों में दीर्घ दृष्टि होती, यहां की सरकारों में आने वाली पीढ़ी की चिंता करने का मंसूबा होता, आज मेरे हरियाणा का किसान तबाह नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता। गुड़गांव रैली में हालांकि भाजपा 2 लाख की भीड़ जुटाने का दावा कर रही थी, लेकिन भीड़ उम्मीद से कहीं कम रही। लेकिन जिस अंदाज के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, उसी अंदाज में वो बरसे भी। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ और कुरुक्षेत्र से कमल मिड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।